हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले एच डी एफ सी एम सी की एच डी एफ सी मैनेजमेंट कंपनी देखिए काफी लोग कहते रहते हैं कि शेयर अच्छा नहीं है शेयर ये है शेयर वो है ठीक है हर बार वो गलत भी प्रूव होते हैं ओके बट ड्यू टू या ड्यू टू सम रीजन ओके दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग अपवर्ड तो ज्यादा ये शेयर भाग नहीं रहा है एक प्राय एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बट स्टिल उस रेंज में ट्रेड करते करते आपको हर क्वार्टर की बात कर रहा रू तो हर क्वार्टर में टेन टू फिफ्टीन परसेंट पैसे देता है तो इसे ही तो हम कहते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है अगेन इस स्टॉक्स को लाने का मतलब क्या है इस स्टॉक्स के बारे में बात करने का मतलब क्या है वो सारी की सारी हम बातें करेंगे जानेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने चैनल इन्वेस्ट फोर

ओके okay, अगर हम यहाँ पर बात करें इन स्टॉक्स की ये स्टॉक्स भी यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं नहीं भागे तो कुछ यहाँ पर और भाग जाएंगे यहाँ पर देखिए आप टाइज टू डेज है यहाँ पर एक वीडियोस बनाई थी कौन सी आप वैल्यू हाउसिंग तो यहाँ पर आज के दिन में ही दो दिन के अंदर अंदर दस परसेंट के रिटर्न तो इसे ही तो कहते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर कमा सकते हैं विदाउट एनी इशू पर देखिए परसों बनाई बना थी तो परसों पर कल की डेट में पर विंडलास भी भागा था तो आपको समझने की जरूरत है आपको सीखने की जरूरत है और सीखने के लिए कोई पैसे नहीं देने कोई कुछ नहीं करना सिंपली आपको यहाँ पर हमारे वीडियोज को जानना है सीखना है देखना है और देख के यहाँ पर लर्न करना है और इसके अलावा अगर आप हमारी कोई पर्सनल सर्विसेज लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस तरीके से आपको पहले ही स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स बता दिए जाए तो आप यहाँ पर पैसा कमा सके और बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सअप करिए आपको यहाँ पर हमारी सर्विस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज दे दी जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले एच की एच डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें एस के बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट ए आती है और यहाँ पर ए मार्केट की बात करें स्टॉक मार्केट की तो so इसका मार्केट कैपिटल स्टॉक मार्केट में नंबर वन है अभी की रेंज uh, में क्योंकि एस अभी है नहीं और यहाँ पर मार्केट कैप सिक्सटी करोड़ रुपीज का लार्ज कैप कंपनी है फोर्टी फाइव का है आर 39 थर्टी नाइन का है और डेट की बात करें कोई डेट नहीं है अभी तेतीस सौ पैसठ है तो अड़तीस तो देखें तो यहाँ पर, तो पर आप देख सकते हैं इनके प्रोमोटर्स से रिलेटेड और यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड है बार बार यहाँ पर वीडियो बताई जा रही है बनाई जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन क्योंकि यहाँ पर यह स्टॉक बहुत जल्दी भागने वाला है क्यों भागने वाला है उससे रिलेटेड जवाब

शेयर यहाँ पर डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड देता हुआ नजर आता है यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है और यहाँ पर दिस इज द सोल स्टॉक जो कि अभी अगर बात करें पूरे पेंडेमिक में यहाँ पर भागता हुआ नहीं दिखाई दिया है तो अब इसकी बारी है अब इसका टाइम है ओके okay, और यहाँ पर अगर आपने इस बार मिस कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि इस प्राइस पे ये आपको अगली बार यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा कुछ और पॉइंट और बताना चाहता हूं सबसे पहले यहां पर देखिए आदित्य बिरला ए तो यहाँ पर ये यह ए की अगर हम बात करें कल की डेट में यहाँ पर ये यह लिस्ट हो सकता है लिस्टिंग ऑन मे एक्सपेक्टेड ऑन इलेवंथ अक्टूबर आज टेंथ है कल इलेवंथ है तो कल यहाँ पर ये यह लिस्ट होगा और कल अगर ये यह यह यहाँ पर लिस्ट होगा तो अब इसी बात है यहाँ पर दोबारा से जो जितनी दूसरी ए है उसमें एक जंप आ सकता है इसके अलावा हम बात करें

ओके फिफ्टी टू वीक हाई भी नहीं इसने मारा अभी ऑल टाइम हाई बीड पे भी नहीं पहुंचा तो यहाँ पर और अंडर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर टू हंड्रेड डी एम ए के आसपास चल रहा है एज वेल एज यहाँ पर बात करें थर्टी थ्री की आर एस आई पे चल रहा है और यहाँ पर कुछ इशू है क्योंकि इसके जो प्रोमोटर्स थे वो बार बार इसके शेयर यहाँ पर बेच रहे थे जस्ट बिकॉज ये बार बार रिट्रेस हो रहा था नीचे की तरफ आ रहा था बट एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये यह शेयर यहाँ पर खड़ा हुआ है मैंने यहाँ पर आज भी बाइंग करी है ओके okay, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मैंने यहाँ पर ये स्टॉक्स को दिलाया है एज well वेल एज हम अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर और कोई कुछ चीजों की तो देखिए ये जो ए है पिछले तीन साल से तैतीस परसेंट के आर ओई बाईस परसेंट के आर ओ के साथ यहाँ पर कंपनी चल रही है एज वेल एज बात करें तो देखिए ना यहाँ पर जब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर दिखा रहा है हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर थी बट स्टिल यहाँ पर पैंडेमिक के रीजन से कम आई और फिर दोबारा हाईएस्ट एवर सेल्स पे आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर आना शुरू हो गया और पिछले तीन चार क्वार्टर से बेहतरीन प्रॉफिट है में है इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करें ईयरली बेसिस पर एक बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है और प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर हाइस्ट एवर आ रहा है तीन गुना होता हुआ नजर आ रहा है पिछले तीन से चार साल में ये जो शेयर है ओके okay, अब जब भी चलेगा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये शेयर में अगर आपने अच्छे खासे पैसे इसमें लगा दिए तो आपको एक करोड़पति बना देगा विद इन अ फ्यूर इसके अलावा अगर हम बात करें बैलेंस शीट तो यहाँ पर बैलेंस शीट देखिए रिजर्व रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है कोई यहाँ पर डेट का लेना ही देना नहीं है इन्वेस्टमेंट फोर सेवन फाइव थ्री करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रखी है कैश की बात करें यहाँ पर देखिए कैश दो करोड़ रुपए का ही है और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और यहाँ पर और भी बात करें आर तो यहाँ पर देखिए फोर्टी परसेंट के आर के साथ कंपनी काम कर रही है मतलब इतना तो कभी कम नहीं आया इस बार आया जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडमिक प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.88 परसेंट है और यहाँ पर शायद थोड़ी सी और कम होती हुई नजर आएगी जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो इनके प्रमोटर्स है यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ पर तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है उन्होंने शायद फाइव पॉइंट समथिंग परसेंट की हिस्सेदारी कम करी थी तो ये कम होती हुई नजर आएगी बट अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए एफ होल्डिंग बढ़ा रहे हैं एफ ने ने बड़े बात है खरीदा होगा बी ने यहाँ पर खरीदा होगा यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक ने भी खरीदा होगा तो थोड़ा यहाँ पर चीजें समझने की जरूरत है और कुछ वाली बात नहीं है इसके अलावा हम बात करें तो हर महीने कम से कम दस हजार करोड़ रुपए दस हजार करोड़ रुपए यहाँ पर एस आई पी मोड में म्यूचुअल फंड में आते हैं म्यूचुअल फंड में जब पैसे आते हैं ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर पैसे आ रहे हैं है, 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 म्यूचुअल है, अब बात कर लेते हैं कुछ पर, पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड ओके तो यहाँ पर हम अगर कुछ बात करते हैं और देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी देखिए बार बार एक जगह पर ही यहाँ पर सपोर्ट ले रही है इस बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी आपको

एक तो कप विद हैंडल पैटर्न ये वाला बना रहा है एक मिनट ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एक कप विद हैंडल पैटर्न ये बना रहा है एक कप बनाया इसके बाद ये है हैंडल और इसके बाद निकलेगा तो इसके जो टारगेट होंगे इसके टारगेट ऑलमोस्ट वही टारगेट आ रहे हैं जो कि इसके ऑल टाइम जो कि इसके अभी तक के ऑल टाइम हाई के आसपास है वही यहाँ पर टारगेट आते हुए इसके दिखाई देंगे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई भी इधर ही है और ये भी इधर ही है तो लगभग फोर थाउजेंड रुपीज तक शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा पहला टारगेट दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और लंबा अगर आप प्ले कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक और चार्ट पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर एक कप बना ओके okay. इसके बाद एक हैंडल बना फिर यहाँ पर नीचे आके फिर एक हैंडल तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अगर बात करें कब भी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस केस में ये जो इसके टारगेट नजर आ रहे हैं इस केस में इसके टारगेट और बेहतरीन नजर आ रहे हैं इस केस में इसके जो टारगेट है और बड़े नजर आ रहे हैं जो कि कितने यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए सेवेंटी और ये अचीव होंगे नो डाउट सूनर और लेटर थोड़े से यहाँ पर जब एक बार मार्केट आ, आ, दूसरे शेयरों में इन्वेस्टमेंट से ये नजर हटके यहां पर आएंगे ना तब यहाँ पर ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 4700 पे शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो की ओवरऑल अगर हम बात करें कितने परसेंट के रिटर्न बन रहे हैं तो पहले रिटर्न की बात करें फिफ्टीन अभी आपको इसी मंथ में शायद मुझे अकॉर्डिंग टू मे मिलते हुए नजर आएंगे इसके बाद बात करें यहाँ पर थर्टी इसके तक बात करें तो 64% के तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं इनकी तरफ ध्यान दीजिए ये शेयर काफी बेहतरीन है बायिंग uh, सेलिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आप पो पोजीशन ले सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस